हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बस तीन कमियों के कारण आपसे लड़की नहीं पड़ती, जो कि आपकी कमी नहीं है फिर भी आप कमी मानते हो। गाइस, जिस कमी को आप अपने अंदर देखते हो ना, एक्चुअली वो कमी आपके अंदर नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है। गाइस, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, जिसको देखने के बाद आप 100 बार जरूर सोचोगे, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है डरना, ठीक है। पहली बात, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। गाइस, अगर आप किसी लड़की के सामने रहते हो या किसी लड़की से बात करनी पड़े ना, तो गाइस आप बहुत ज्यादा डर जाते हो, ठीक है। तो अगर किसी लड़की को आपको पटाना है, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, किसी क्यूट सी लड़की को आप पटाना चाहते हो, ठीक है, तो पहले आपको अपने अंदर से ना, जो आपके दिल में आपके दिमाग में जो डर है उसे निकाल फेंको, ठीक है। अरे यार, आप एक शेर हो, मर्द हो आप, ठीक है, आप एक लड़के हो यार, ऐसे किसी लड़की से कैसे डर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, आप ना अपने अंदर से डर निकालो यार, मर्द की तरह रहो, एक शेर की तरह, ठीक है। आप लड़के हो, लड़की नहीं होगी यार, आप डरोगे, ठीक है। तो पहले अपने अंदर से डर को निकाल फेंको, ठीक है, फिर उसके बाद फिर कुछ भी सोचो, ठीक है। एंड गाइस, सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यानी कि बात करने का तरीका, स्मार्टपनी, ठीक है। आप जब भी किसी से भी बात करो यार, लड़की ही क्या, किसी भी किसी आदमी से या किसी इंसान से अगर आप बात करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होना जरूरी है कि सामने वाला आपकी बातों को दबा न सके, ठीक है, आपके मुंह को बंद ना कर सके, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि यार कोई भी देखे तो अट्रैक्ट हो जाए, या अगर किसी लड़की से भी यार बात करो आप, तो यार वो सोचे आपके बारे में, कुछ ना कुछ सोचे कि यार ये लड़का तो है, वास्तव में इस लड़की की बातों में दम है, ठीक है। तो जिस दिन से आप ये अपने अंदर डाल लोगे ना, डर निकाल लोगे और कॉन्फिडेंस अपने अंदर ऐड कर लोगे, डाल लोगे, ठीक है, बात करने का एक्सपीरियंस आपके अंदर हो जाएगा, ठीक है। किसी के सामने खुल के बात कर पाओगे, बिना डरे बेझिझक कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। उस दिन से आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, किसी लड़की को आप पटा सकते हो, ठीक है, किसी लड़की से आप बात कर सकते हो। यार, आपके अंदर जब डर रहेगी तो आप पहले ही कपकपाने लगोगे, पहले ही कांपने लगोगे, ठीक है। तो गाइस, आपके अंदर ये डर नहीं होनी चाहिए, ठीक, ठीक है। और फिर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो होना बहुत ही बेहद जरूरी है, ठीक है। एंड गाइस, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइस, अगर आप इसे समझ लेते हो ना, तो गाइस किसी लड़की से बात करने में या किसी लड़की को पटाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाइस, किसी लड़की को आप आसानी से पटा सकते हो, किसी लड़की से आप आसानी से इजीली बात कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है खूबसूरती, ठीक है। किसी लड़की की खूबसूरती को देख के आप जज कर लेते हो पहले ही कि यार वो लड़की मुझसे नहीं पटने वाली है, यार वो बहुत ज्यादा हॉट है या बहुत ज्यादा खूबसूरत है। गाइस, आप पहले ही डर जाते हो, पहले ही अपने अंदर डिमोटिवेशन ला देते हो कि यार वो लड़की नहीं पढ़ सकती, यार वो बहुत ज्यादा हॉट है, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। गाइस, आप पहले ही डर जाते हो, पहले ही पीछे हट जाते हो, तो यार भला कैसे आपसे गर्लफ्रेंड बनेगी, कैसे कोई लड़की आपसे पटेगी, ठीक है। गाइस, अगर वो खूबसूरत है, बहुत ज्यादा हॉट है, सामने वाली लड़की जिसे आप पटाना चाहते हो, ठीक है, तो गाइस ये आपके दिमाग में है कि यार इतनी ज्यादा हॉट दिख रही है, ठीक है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, यार मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। गाइस, ये चीज नहीं मैटर करता है। गाइस, अगर आप जब तक लड़की से बात नहीं करोगे, जब तक उसकी पसंद नहीं जानोगे, ठीक है, तब तक यार आपको कैसे पता चल सकता है कि यार वो लड़की मुझे रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। आप पहले बात तो करो, ठीक है, पहले इजीली बात तो करो, नॉर्मली बात तो करो, पहले उसका मन तो जानो, उसका दिल तो जानो कि यार वो क्या सोचती है, या उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं, वो आपकी फ्रेंड बनेगी या नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो आपको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, पहले आपको अपनी फ्रेंड बनानी है, ठीक है, उसके बाद आपको सारा कुछ जान लेना है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके घर वाले कैसे हैं, ठीक है, और वो करना क्या चाहती है, या उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे वो स्टडी कर रही है, क्या कर रही है, क्या चाहत है उसका, ठीक है। गाइस, जब आप ये सारी डिटेल्स पता करते हो, ठीक है, तभी आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो, किसी लड़की को आप पटा सकते हो। गाइस, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपको किसी लड़की की खूबसूरती देख के आपको जज नहीं कर लेना चाहिए कि यार वो मुझे रिजेक्ट कर देगी,
ठीक है गाइस, वो आपको देख रही है तो वो आपको कैसा समझ रही है, कैसा इंसान समझ रही है, उसकी मन की बातें भी तो जाननी आपको बहुत जरूरी है। पहले ही आप सोच लोगे कि यार वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, यार मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो यार ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। कभी आपने देखा है अगर कोई भी लड़का हो या कोई भी कपल्स हो, ठीक है, तो हमेशा देखा गया है कि जो लड़की होती है ना, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से खूबसूरत और हॉट होती है। बहुत कम से ऐसे लड़के हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यार आप समझो, अगर किसी की भी गर्लफ्रेंड है या कोई भी कपल्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आप उसमें कंपेयर करके देख लेना। कभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी और जो बॉयफ्रेंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, और कभी बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, गर्लफ्रेंड नहीं अच्छी होगी। तो गाइस रिलेशनशिप में ना ये चीज़ नहीं देखे जाते हैं गाइस, बस अंदर से प्यार होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ जरूरी करता है आपके लिए। गाइस अगर किसी लड़की को आप देख रहे हो तो आप कभी भी ये ना सोचना कि यार वो बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा गोरी है तो यार मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, यार मैं सांवला हूँ, यार मुझसे नहीं पटेगी, तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात की समझने की कोशिश करो, एक बार उस लड़की से बात जरूर करो। यार वो डायरेक्टली आपको थप्पड़ तो मार नहीं लेगी, चपेट तो मार नहीं देगी आपको, यार आपको मना तो कर नहीं देगी, यार आपको चप्पल मार नहीं देगी, ठीक है। यार आपको पूछने में क्या जाता है कि यार आप मेरी फ्रेंड बनोगी, पहले फ्रेंड बनाओ, ठीक है, नॉर्मली बात करो। कुछ दिन बात करने के बाद वो खुद ही सिग्नल देने लगेगी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है या नहीं, आपको पसंद करती है या नहीं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।